लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान जनता से जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ प्रवीण झरिया का कहना है कि जिस तरह से इंदौर में कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, उसके काफी घातक परिणाम देखने में आ सकते हैं। इसी के साथ उनका कहना है कि जो भी सोशल कनेक्टिविटी का पालन करेगा वो इस बीमारी से बच के रहेगा। कोरोना के इंदौर में 13 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उसके बाद से ही इंदौर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे को आम जनता या पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। इसके साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन बनाया गया है। जिस क्षेत्र से कोरोना वायरस के संदिग्ध मिले हैं उसको देख कर यह कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर पर ही लॉकडाउन किया गया है और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो संक्रमण की पूरी चेन होती है सब तोड़ा जाए और जो 12 हमारे इंदौर के पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें हम एक कंटेनमेंट एरिया बना के और जो एपी सेंटर उस घर को बनाएंगे जहाँ पर मरीज पाया गया है उसके 2-3 किलोमीटर के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट एरिया और 5 किलोमीटर आसपास के एरिया को हम बफर जोन बनाकर और सर्वे का कार्यालय प्रारंभ कर दिया है। 12 टीमें आईएमए के सहयोग से हमारे पास आज हमने 12 टीमें बनाई हैं। आईएमए के 12 चिकित्सक हमारे साथ दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी तक कहाँ कहाँ सस्पेक्ट ऐसा कुछ आया आपको नज़र में? अभी तक कितने जनों को मतलब ये टेस्ट वगैरह ले चुके हैं अभी तक टोटल? अभी हमने जो देखा है वो मुख्यतः रानीपुरा क्षेत्र से हमें 3 मरीज मिले 4 मरीज मिले बल्कि, तो प्राइमरी फोकस हमारा उस क्षेत्र में है और इसके बाद हम चंदन नगर और खजराना क्षेत्र में भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अभी तक टोटल कितने होंगे मरीज? अभी हमारे 13 मरीज पॉजिटिव मिले थे, इसमें से एक मरीज की मृत्यु हुई है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।